बहुत दुखद खबर, सिद्धार्थ शुक्ला इतने कम उम्र में और इस वक्त सक्सेस की दहलीज पर उन्होंने इतना बड़ा कदम रखा था बिग बॉस के बाद। बिग बॉस के घर से उनको बहुत प्रेम मिल रहा था, उनका ये अचानक चले जाना हार्ट अटैक से क्वाइट शॉकिंग, एक बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान सिनेमा इंडस्ट्री के लिए, टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए, उनके करोड़ों करोड़ों फैंस के लिए जो ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर हिंदुस्तान को मोहब्बत करते थे। मतलब क्वाइट शॉकिंग। सिद्धार्थ, तुम बहुत अच्छे इंसान, एक वेरी पॉजिटिव एनर्जी, हमेशा राइट्स के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, वुमेन राइट्स के लिए हमेशा खड़े रहते थे, एक आवाज थे तुम, एक स्वाभिमान था तुम्हारा, तुम्हारा एक अलग अंदाज था। इतने कम समय में तुमने बिग बॉस में सबके दिल पर राज किया और ये सुबह, ये पता नहीं ये कैसी सुबह हुई कि आज ये खबर आई, और बहुत 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 दुखद ये है। महादेव से प्रार्थना है उनकी आत्मा को अपने शिव चरणों में स्थान दें, और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, निःशब्द हूं। हेल्थ फ्रीक गाय, शरीर से प्यार करने वाले, कसरत रोज करने वाले, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्वाइट शॉकिंग, वेरी वेरी शॉकिंग। नमस्ते प्रणाम, हम खेसारी लाल यादव सबके पैर छू के प्रणाम कर रहा हूं। आज सुबह आंख खुलते ही इतनी दुख भरी मैसेज मिला मुझे कि समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। सीजन 13 में, बिग बॉस के सीजन 13 में हमारे बहुत अजीज मित्र और हमारे दोस्त भी, और एक बड़े भाई की तरह सिद्धार्थ शुक्ला जी का जब न्यूज़ सुनने को मिला तो यकीन ही नहीं हो रहा था खुद पे कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं सीजन 13 में हमारी लड़ाइयाँ भी दोनों भाइयों की हुई, वो प्यार की लड़ाइयाँ थी, और मैं जब सीजन 13 के बिग बॉस से बाहर आ रहा था तो सबसे ज़्यादा अफसोस सिद्धार्थ शुक्ला जी को ही हुआ था, क्योंकि मैं उनको बाबा बोलता था और हमारी कोई पहले से परिचय नहीं थी, लेकिन बिग बॉस के सीजन 13 में ही हमारी मुलाकात उनसे हुई। वो बड़े अच्छे इंसान भी थे, अपनी कोई भी बात निधड़क बोलते थे, और इस उम्र में जाना ये कुछ अजीब सा लगा, तो क्या बोल सकते हैं, बस मैं भगवान से ही प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति दे, और ऐसे लोगों को इतनी जल्दी मत बुलाओ उस पर, क्योंकि अभी बहुत कुछ करना था इस इंडस्ट्री को, बहुत आशा थी उनसे, हम सबको आशा थी, एक अच्छी पर्सनालिटी के साथ, एक अच्छे विचारधारा के साथ अपने जीवन को चला रहे थे। मैं उस माँ को सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आज उस माँ पे क्या गुजर रही होगी, क्योंकि मैं सिद्धार्थ बाबा के माँ से भी मिला था जब फाइनल में मैं गया था, तो बड़ी प्यारी है वो, और माँ हम सब हैं आपके साथ, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए कि हाँ एक बेटा गया है, ठीक है, अब ईश्वर को क्या मंजूर था नहीं जानता मैं, बट बहुत सारे बेटे आपके हैं जो आपके प्यार के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, तो दिल से ये दुख भरी बातें हैं, क्या बोल सकता हूँ मैं, बट मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूँगा कि भगवान ऐसे अच्छे लोगों को और इतने जल्दी मत बुलाइए, ये धरती सुनी सुनी हो जाती है। थैंक यू।